हाय एवरीवन, रोहित राज हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? व्हाट्स गोइंग ऑन? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे, राइट? थोड़ा मैंने वेट लूज़ किया है ना। एक्चुअली मैं एक हफ्ते बाद ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि पूरा वीक जो मैं, आप लोगों ने अगर इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा जो स्नो स्टॉर्म आया था तो उसमें मैंने शूट वूट किया था तो फीवर हो गई थी, तो मैं अपना रेस्ट कर रहा था। आज ब्लॉग करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अगर आप लोगों ने रोड ट्रिप का एंड वाला ब्लॉग जो हम लोग वापस आ रहे थे अगर वो देखा हो, अगर वो याद हो आप लोगों को, तो मेरा 1635mm का लेंस टूट गया था, राइट? आप लोगों ने देखा होगा। वैसे मैं उसकी एक क्लिप इसमें लगा दूंगा ताकि आप लोग की याद ताज़ा हो जाए। तो हम लोग जा रहे हैं बी एन एच का भी एक ब्लॉग बनाया था, वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया की सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट जो इक्विपमेंट शॉप है, कैमरा इक्विपमेंट शॉप, लाइट शॉप, वो ब्लॉग भी आप लोगों ने देखा। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा नीचे। तो अब हम निकले हैं अपने घर से BNH की तरफ। अब BNH की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो BNH जाने का मकसद क्या है? सिर्फ यही मकसद नहीं है कि 1635mm लेंस लेना। एक्चुअली में क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने कैमरा गियर्स को अपग्रेड करूँ, राइट? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सोनी A7S2 यूज़ करता हूँ जो अपने मेन कैमरे के लिए, तो अब A7S3 आ गया है तो सोचा थोड़ा सा उसको भी अपग्रेड किया जाए, है ना? क्योंकि 4K 120 फ्रेम पर सेकेंड उसमें मिलेगा, हाई स्पीड वगैरह मज़ा आएगा। और साथ में ये लेंस, क्योंकि लेंस में कैनन यूज़ करता था और कैमरा सोनी यूज़ करता था, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया है कि लेंसेज भी मैं सोनी के ही यूज़ करूँगा, तो चीज़ें थोड़ी और क्लास हो जाएगी। तो चल रहे हैं BNH, वहाँ पे मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। तो ये जितने भी आपने टावर्स देखे हैं लाइन से, मतलब अपने आप में एक सिटी है और ये टावर्स, और ये सिटी बसाई किसी ने है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप जो मिस्टर प्रेसिडेंट हैं वो इससे पहले, प्रेसिडेंसी से पहले कंस्ट्रक्शन में थे और प्रेसिडेंसी के बाद भी कंस्ट्रक्शन में रहेंगे। तो उन्होंने ऑलमोस्ट मतलब आधा से ज़्यादा न्यूयॉर्क खरीद रखा है। और अगर आप बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ वर्ल्ड की, डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उसकी मेन सिटी, जैसे आपने मुंबई में ट्रंप टावर बना है 85 फ्लोर का, अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो कुछ लोअर परिल के पास, वर्ली के पास है। तो वैसे ही ट्रंप साहब वैसे ही बिलियनर्स पता नहीं क्या क्या है। तो मैंने सोचा कि ये ट्रंप टावर्स की झलकियाँ दिखा दूँ, लेकिन इनका जो मेन ट्रंप टावर है वो है मैनहट्टन पे, जिसमें मिस्टर प्रेसिडेंट बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप बैठते थे। तो ये कहानी थी छोटी सी ब्रीफ में मिस्टर ट्रंप की। The destination is on your right. BNH Photo Video Pro Audio. Arrived. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग BNH पहुंच चुके हैं। अब BNH की पार्किंग के लिए क्यू में हम लोग खड़े हुए हैं। तो गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद BNH में के अंदर जाएंगे। तो BNH के अंदर जाने के टाइम पे आपसे दोबारा मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो हम लोग इस वक्त BNH की पार्किंग में हैं और गाड़ी पार्क हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये BNH की पार्किंग है। क्योंकि न्यूयॉर्क में पार्किंग बहुत महंगी है तो BNH की पार्किंग हमें मिली है अगर हम लोग $200 से ऊपर का स्टफ
सामान जो भी है, जो भी कैमरा का इक्विपमेंट वगैरह है, वो सब अगर $200 के ऊपर की हम लोग शॉपिंग करते हैं BNH में, तो पार्किंग फ्री है हमारे लिए। तो $200 से तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, तो वो तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए। लेकिन यहाँ की पार्किंग में अगर आप एक घंटे की स्ट्रीट पार्किंग करते हैं तो $10 से $12 की होती है, कहीं कहीं जैसे मैनहट्टन वगैरह में तो $20 भी है। और अगर प्रॉपर पार्किंग में पार्क करते हैं तो वो लोग डे के हिसाब से भी लेते हैं, घंटे के हिसाब से भी लेते हैं वैसे। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग BNH पहुंच गए हैं और कितना खूबसूरत मामला है। तो ये है न्यूयॉर्क सिटी के जलवे। आपने देखा होगा कि मैंने विंटर जैकेट डाल ली है क्योंकि निकली हुई है धूप, लेकिन टेम्परेचर है -12, तो हवा बहुत है, हवा बिल्कुल चुभ रही है शरीर में, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, BNH तो जाना ही है, कैमरा गियर उसको अपग्रेड तो करना ही है। सो चलते हैं BNH के अंदर। ओके, तो ये BNH का एंट्रेंस है, अब हम लोग BNH के अंदर जा रहे हैं और BNH के अंदर मुलाकात करते हैं आपसे, और क्या क्या खरीदता हूँ, क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करता हूँ वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ग्लव्स वगैरह ऑन है, विंटर जैकेट ऑन है, ठंड ऑन है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं BNH के अंदर आ चुका हूँ, मास्क ऑन हो गया है क्योंकि मास्क के बिना एंट्री नहीं है, और बड़ा ही अजीब सा मास्क दिया है, हालांकि मेरे पास अपना मास्क है लेकिन कोई बात नहीं। तो मिलता हूँ कैमरा डिपार्टमेंट पे। हाय, तो हम लोगों ने कैमरा और लेंस ले लिया है, कौन सा कैमरा लिया है, कौन सा लेंस लिया है वो मैं आपको घर चल के बताऊँगा। अभी हम लोग कैश काउंटर पर खड़े हैं, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया है इन लोगों ने मामला, क्योंकि कोरोना कोविड के चक्कर में और पूरा स्टोर खाली है, जबकि स्टोर इतना भरा हुआ होता था क्या बताएं। हाय, हम लोग काउंटर पे आ गए हैं, हम लोगों ने बिल पे कर दिया है और अब हम लोग जो है वो अपना स्टफ कैमरा और लेंस कलेक्ट करेंगे इस काउंटर से। देख सकते हैं ये अपना काम चल रहा है, तो मैं चीज़ें को कलेक्ट करता हूँ, सारे स्टफ को जो हमने खरीदा है, कितने का फटका पड़ा है, कितने का नुकसान हुआ है वो भी आपको अनबॉक्स के टाइम पे बता। ओके, आई एम बैक। तो हम घर पहुंच चुके हैं शॉप कॉम्पिंग करके, रास्ते में हम लोगों ने डिनर कर लिया था, तो रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को जो जो एक्सेसरीज कैमरा की खरीदी है या कैमरा खरीदा है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा आपके सामने। तो अनबॉक्सिंग का दौर हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है वो बैग, राइट, अभी ये अनबॉक्सिंग का दौर शुरू होने वाला है। ये बिल है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी, सोनी अल्फा 7S3। वाह, और ये है मेरा लेंस। तो रेडी, अनबॉक्सिंग शुरू की जाए। तो सबसे पहले मैं अनबॉक्स करूंगा सोनी का जो है 16-35mm। आपको याद होगा मेरा जो लेंस टूटा था उस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था जब रोड ट्रिप से हम लोग वापस आ रहे थे। तो ये F2.5 GM है, GM जी मास्टर, किलर है, किलर बॉस। तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। पता है मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं घर में घुसा, पहले तो आने की जल्दी घर पहुँचू, घर पर पहुँचा, फटाफट शावर लिया, मैंने टॉवल से बाल साफ किए, मैंने सेट भी नहीं किया और ऐसे ही आगे बैठ गया। मैंने कहा अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं आप लोगों के साथ में। तो ये क्यूट सा बैग है, लेंस के ऊपर अच्छा है, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत स्लीक सा है, क्यूट सा है, तो ये बहुत ज़रूरी है सेफ्टी लेंस की, लेंस बहुत डेडिकेटेड होते हैं। ओ वाओ, ये देखिए ये है 16-35mm और जी मास्टर, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, हल्का सा वेट है। अगर मैं जी मास्टर नहीं लेता, 16-35mm सोनी का नॉर्मल लेता तो इतना वेट नहीं होता, लेकिन हल्का सा वेट है, लेकिन एडजस्ट करेंगे, क्वालिटी मैटर्स। ओके, तो इसके बाद ओपन किया जाएगा जो आज का मैन ऑफ द मैच है, मेरे डार्लिंग, मेरा कैमरा।
मेरी जान, सोनी A7S3। तो मैंने बॉक्स को इस चाकू से काटा है और बहुत सारे पेपर्स हैं, मैनुअल वगैरह पढ़ने के लिए, हाउ टू यूज, हाउ टू ऑपरेट और वो सारी चीज़ें, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। और ये बेल्ट निकली है कैमरे की, जो कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हैंडल यूज़ कर रहे हैं तो कैमरे की सेफ्टी, प्लस बहुत स्मूथ देता है ये पैनिंग वैनिंग, टिल्ट अप टिल्ट डाउन वगैरह, बहुत स्मूथ होता है, तो ये बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सोनी। एंड ये है मेरा सोनी A7S3। वाओ, लव यू। बहुत दिनों से इंतज़ार था मुझे इसे, क्योंकि उस कैमरे से मुझे बहुत प्यार था, बहुत शूट किया था मैंने A7S2 से, तो बदलना नहीं चाह रहा था। हालांकि जब ये लॉन्च हुआ था ऐसे A7S3, तभी मुझे लेना था ये, क्योंकि इसमें फ्लिप स्क्रीन है, राइट, ताकि आप जब अगर ब्लॉग वगैरह बना रहे हो तो अपने आप को देख सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें, और शूट कैसा हो रहा है वो सब देख सकता है। प्लस A7S2 में जो है 4K में हाई स्पीड नहीं थी, और अब शूट 4K से होगा हाई स्पीड में, ठीक है, तो 120। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। A7S2 में ऑलरेडी ऑपरेट करता था, कुछ चीज़ें इसमें चेंजेस आए हैं, अपग्रेड किया गया है A7S3 को, जैसे कि ये फ्लिप स्क्रीन हुआ या 4K में 120 की फ्रेम हुई है, वो सारी चीज़ें की गई है, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओके, तो अब सोनी का लेंस भी है, सोनी का कैमरा भी मेरे पास, और 85mm लेंस जो सोनी का है वो मैं इंडिया पहुंच कर लेने वाला हूं, मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो मेरे एड्रेस पे पहुंच जाएगा, तो सब कुछ सोनी का होगा अब मेरे पास, क्योंकि मैं सोनी का फ़ैन हूं, तो वो हो गया। तो ये आ गया भाई लोग, आई एम सो हैप्पी एक्साइटेड कि मेरे पास A7S3 है, लो लाइट में कमाल का परफॉर्म करता है ये कैमरा, कमाल का लो लाइट में परफॉर्म करता है, मज़ेदार है, डालेंगे। तो अब कल से शूट इसी से होगा। और हाँ, तो इसमें एक USB है, चार्जर वगैरह है, वेरी गुड। अब बात की जाएगी कि भाई लोग, झटका और फटका कितने का पड़ा है। तो झटका और फटका जो है वो यहाँ पे है, ये है 6147, मतलब 6150 लगभग डॉलर, प्लस जो मैंने लेंसेज वगैरह दिए हैं तो उसके $1200 और प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया ऑलमोस्ट 7350। तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मुझे लगता है कि इस 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 प्लस 3 करेंगे, ऑलमोस्ट ये 6.5 लाख की चीज़ है, 570 और 72, तो मतलब 6.5 लाख की चीज़ है, क्योंकि इस समय डॉलर जो चल रहा है 74 का, 73 point something है, तो उसके हिसाब से इंडियन रुपीज़ के हिसाब से फटका पड़ा है वो है 6.5 लाख रुपए का। खाली हो गया हूँ, पहले क्रिसमस की शॉपिंग उसमें खाली हुआ, अब कैमरा और लेंसेस करना तो था ही, बॉस अपग्रेड तो करते रहना चाहिए, ठीक है, नई नई टेक्निक्स, नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही है, आपको अपने आप को उस लेवल पे अपग्रेड करते हुए रहना पड़ता है, तो इस चीज़ें हो गई। तो मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ, ये मेरा कैमरा, ये बेल्ट, ये सारी चीज़ें उसके साथ, वो ये USB वगैरह, ये कैमरे की किट है, ये कैमरे का लेंस है मेरा, और ये लेंस का बॉक्स है, और ये है फटका मेरा। तो भाई लोग, बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया इस US ट्रिप में, ऐसे में तो मैं 4-5 कंट्री की ट्रिप मार लेता, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ेदार ट्रिप थी। अब मैं, क्योंकि कल निकल रहा हूँ, कहाँ के लिए, कल मेरा कोरोना का टेस्ट है, क्योंकि मैं कोरोना टेस्ट के बिना ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, तो कल कोरोना टेस्ट देंगे हम लोग, उसके बाद 2 दिन बाद, कल एक्चुअली वह वर्चुअल टेस्ट है, फ़ोन आएगा और वो ब्ला ब्ला, और आपसे डॉक्टर्स कंसल्ट करेगा, ये वीडियो कॉलिंग पे या ऑडियो कॉलिंग पे, व्हाटएवर, अभी मुझे नहीं पता।